नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर। मध्य प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए जी जान से लगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ ने कहा, वे पूरे प्रदेश में हर उम्मीदवार को जिताने के लिए मेहनत करेंगे। खुद चुनाव लड़कर अपने विधानसभा क्षेत्र में समय खराब नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट मिलने का फार्मूला सिर्फ सर्वे होगा, छत्रपों का कोटा सिस्टम नहीं चलेगा। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है और कमलनाथ पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था, लेकिन जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, अजय सिंह और जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन बाद में होगा, अभी कोई सीएम चेहरा नहीं है, इसके बाद पार्टी दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। नाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने तो अरुण यादव के इस बयान पर यहां तक कह दिया कि पार्टी में कमलनाथ के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। इसके बाद कई नेताओं और पूर्व मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बयानबाजी के बीच नाथ ने कहा कि वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीवन में उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, अब कोई लालसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समन्वय बनाने की बात कही जाती है, लेकिन नेताओं में समन्वय बनाना सिर्फ दिखावा है। सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेंगे। सर्वे के साथ वे खुद भी फीडबैक लेते हैं, क्या अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि अरुण ने उनसे अभी तक कुछ नहीं कहा है। अजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।